सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड्स प्ले फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में कि एक्चुअल में ये फिल्म हमें देखनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी और काफी लोग इस फिल्म को हेट भी कर रहे थे और रीजन था सिर्फ और सिर्फ चकी। लेकिन अब एक्सपर्ट्स की राय से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस फिल्म को लेकर एक्सपर्ट्स की राय है क्या। सो फ्रेंड्स, इस चाइल्ड प्ले के रिबूट वर्जन को बाहर के देशों में रिलीज कर दिया गया है और फिल्म की अब रेटिंग रोटेन टोमेटो पर और आईएमडीबी पर भी अवेलेबल है। अगर बात करें आईएमडीबी की तो आईएमडीबी पर इस फिल्म के स्कोर है 6.7 के, और वहीं बात की जाए रोटेन टोमेटो की तो रोटेन टोमेटो पर ये फिल्म अभी डिजर्व करती है 61% की रेटिंग और ऑडियंस स्कोर है 69% के, जिससे हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि इस चाइल्ड प्ले में कोई ना कोई बात जरूर है। जी हां, क्योंकि जितने भी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर अपनी राय रखी है वो राय बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। जबकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस फिल्म को हेट मिल रहा था उसे देखकर यही लग रहा था कि MGM स्टूडियो का ये अब तक का सबसे बुरा डिसीजन है कि वो चाइल्ड्स प्ले जैसी फिल्म को रिबूट कर रहा है। लेकिन फिल्म का प्लॉट पूरी तरीके से अलग है और यहाँ तक कि बडी यानी चकी का कैरेक्टर भी, जो 1998 में आई हुई चाइल्ड्स प्ले फिल्म से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। यानी ये एक अलग ही वर्जन है चाइल्ड्स प्ले फिल्म का जो अब एग्जिस्ट करता है। और बात करें इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन की तो वो वर्जन भी यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर कंटिन्यू रहेगा और ये बात खुद डॉन मैंचेसी ने की है। और अगर आप मैंचेसी को नहीं पहचानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैंचेसी वही है जो कई सालों से चाइल्ड्स प्ले फिल्म की स्टोरी ले आए हैं। यानी आज भी वो इस फिल्म की स्टोरी को कंटिन्यू रख रहे थे जो अभी के टाइम पर लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी, बट फिर अनाउंसमेंट कर दी गई फिल्म के रिबूट की, जिसके बाद सारी की सारी चीजें बदल गई। लेकिन मैंचेसी ने ये भी बात कंफर्म कर दी है कि चाइल्ड्स प्ले की वेब सीरीज पर काम किया जा रहा है और ये वेब सीरीज हमें जल्द ही नेटफ्लिक्स पर देखने मिलने वाली है। और यहाँ तक कि मैंचेसी अभी की चाइल्ड्स प्ले फिल्म को बायकॉट भी करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मेहनत पर कोई दूसरा आकर अपना रौब जमाए। लेकिन अब जो चीज होनी थी वो हो गई और फिल्म बनकर हमारे सामने आ गई है, जिसे देखकर एक्सपर्ट ने ये कहा है कि ये फिल्म इतनी भी ज्यादा बुरी है नहीं जितना लोग इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। यानी ये अच्छी एंटरटेनिंग थ्रिलर स्लैशर फिल्म है जिसे हॉरर फैंस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस बार टीम की तरफ से एक अलग ही चीज की गई है जो स्क्रीन पर हमें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और फिल्म के डायरेक्टर लायस का डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इन सबसे हट के जो मेजर बात की गई है फिल्म से रिलेटेड वो है बडी की वॉइस, जिसे एंड टाइम पर चेंज कर दिया गया क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग में क्रिटिक्स को बडी की वॉइस पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद मार्क हैमिल ने आकर बडी के इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से जिंदा कर दिया है। भले से ही बडी स्क्रीन पर हमें अच्छा क्यों ना लगता हो, बट फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है। पर अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि क्या इस फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज किया जाएगा भी या नहीं, क्योंकि ये फिल्म 25 जून को आधे से ज्यादा वर्ल्ड वाइड में रिलीज कर दी गई है और उन लिस्ट में हमारे इंडिया का नाम है नहीं, जिससे पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि इस फिल्म को हमारे इंडिया में रिलीज किया जाएगा। बट अगर जिस तरीके से इस फिल्म की पॉपुलैरिटी चल रही है और लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक यानी 28 जून को शायद इस फिल्म को हमारे इंडिया में रिलीज कर दिया जाए। अब मैं कंफर्म गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये फिल्म 28 जून को ही हमारे इंडिया में रिलीज होगी, बट एक अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि उस टाइम पर एनाबेली फिल्म भी हिंदी, इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है और शायद इस बीच चाइल्ड्स प्ले फिल्म को सिर्फ हिंदी में ही रिलीज किया जाए। अगर 28 जून को ये चाइल्ड्स प्ले फिल्म रिलीज नहीं होती है तो फिर डाउट है ना के बराबर, यानी हमें बस वेट करना पड़ेगा इस फिल्म की ऑफिशियल होम रिलीज होने का, जिसके बाद ही हमें एक्चुअल में ये पता चलेगा कि जो बात क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। वेल, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है चाइल्ड्स प्ले फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।